खबर रीवा जिले से है, जहां जिले के हनुमाना नगर के सीधी रोड में 3 तारीख के बाद पुनः एसडीएम एके सिंह के कुशल निर्देशन एसडीओपी नवीन दुबे, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सुजीत नागेश, वन परिक्षेत्र अधिकारी नयन तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण त्यागी, थाना प्रभारी हनुमाना सैल यादव आदि प्रशासनिक टीम की उपस्थिति में सीधी रोड के उत्तरी पटरी का अतिक्रमण हटाने बुलडोजर जहां चला, वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया रही। उल्लेखनीय है कि सुबह 11 बजे से सीधी रोड के अतिक्रमण की जड़ तथा जाम का कारण बने रहने वाले पुराने नीम के पेड़ को काटने की कार्यवाही चलती रही, जो लाइट गुल हो जाने से रोक दी गई थी, तथा उसके बाद 1 बजे दोपहर से बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चली, जिसमें कोई बड़े अतिक्रमण अधिकतर लोगों ने विगत 3 दिसंबर की कार्यवाही को देखते हुए स्वयं ही अपने अपने अतिक्रमण हटा लिए थे या हटाने में फौरी तौर पर जुटे थे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, नगर परिषद आदि विभागों का अमला मौजूद रहा। पीडब्ल्यूडी के पन्ना लाल शुक्ला की विशेष सराहनीय भूमिका रही। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इस बार के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में नालियां सड़क के लेवल में करने का पूरा प्रयास रहा। वहीं कुछ लोगों ने विसंगतिपूर्ण बनी नालियों को भी आधार मान की गई कार्यवाही को गलत बताते हुए भेदभावपूर्ण रवैया निरूपित कर आक्रोश भी जताया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, उपाध्यक्ष सोनू गुप्ता भी अतिक्रमण को लेकर कुछ क्षण के लिए आए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण त्यागी से कुछ चर्चा करने के बाद चंद कदम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चले और फिर चले गए। उधर प्रशासन अपने कार्य में जुटा रहा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए एसडीएम पूरी कार्यवाही को शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारा मकसद नगर को स्वच्छ, सुंदर और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है, इसी के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। रही बात नालियों के विसंगतिपूर्ण की, तो अभी इस विषय में जो नगर परिषद ने निर्णय लिया है उसी आधार पर हटाया गया। आगे इस सड़क को डिवाइडर युक्त बनाने की भी कार्यवाही के लिए मैंने GBR कंपनी से बात की है, जिसने पूर्व में इसका ठेका लिया था। मेरा प्रयास होगा कि भविष्य में सड़क पूर्ण चौड़ी हो, जिससे आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, यहाँ का रोजगार भी प्रभावित ना हो, व्यापारियों तथा ग्राहकों को इसका लाभ मिले। हाँ, हनुमाना में सीधी रोड पे आज हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सवेरे से लगे हुए हैं, और 3 तारीख को भी हमने राइट साइड में किया था, आज हमने लेफ्ट साइड में किया, और जो भी अतिक्रमण था पूर्व निर्धारित तरीके से उसमें में कामयाब रहे हैं। लगभग आप समाप्ति की ओर है, एक आध दो विशेष रह गया। सर, नालियों की विसंगति को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और इस विषय में क्या अग्रिम कार्य योजना है कि किसी की नाली कहीं से बनी है उसको लेकर के कि हमारा अतिक्रमण दूरी पर है तो अभी थोड़ा था कि यहाँ यातायात के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, वो उसमें पूर्व से जो पंचायत ने अपना एक
नाली दोनों साइड में बना रखा था, तो उसको हमने क्लियर कर दिया। अब हर पॉइंट पे अपन ये देखेंगे कि वहाँ शासकीय रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी ज़मीन है, और फिर उस ज़मीन को ढूंढ करके उसके उसके तहत हम उसके अतिक्रमण हटाने की पुनः और जिनके विधि अनुसार कार्रवाई हो चुकी है। जो कुछ अतिक्रमण छूट गए हैं कतिपय कारणों से, उनके बारे में क्या अग्रिम योजना है? वही जो आपने बताया ना कि कुछ नालियाँ जो हैं वो अव्यवस्थित हैं, तो शायद इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कहीं पे नालियाँ थोड़ी कम दूरी पर है, तो उस वजह से आपको लग रहा है। तो उन जगहों को हमने आइडेंटिफाई करके और वहाँ पर हमको रिकॉर्ड कर देख करके जहाँ भी अतिक्रमण होगा, जितने अतिरिक्त जमीन पर होगा, उसको सबको हटाएंगे। सर, अग्रिम योजना क्या है? या अतिक्रमण हटाने के बाद क्या सड़क चौड़ीकरण के लिए कोई प्रपोजल है? देखिए, हमने अभी जो आरडीसी के जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ का टोल प्लाजा है यहाँ पर, मैंने उनसे बात किया कि भाई आकर के आप देखिए आपके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, कितना काम बच गया है, जो बचा हुआ काम है अगर आप पूरा कर सकते बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग किस्मत से कैसे करा सकते। सर, पूर्व में जो टेंडर हुआ था उसमें डिवाइडर बनाने का था, लेकिन कंपनी ने डिवाइडर नहीं बनाया है, ये बात सत्य है जो आप भी कह रहे हैं? भाई इसीलिए तो क्या आप निर्देशित करेंगे कि वो तत्काल बनाए? जो हमारी बातचीत उससे हुई है और उसके मुताबिक मैंने यही बताया उनको कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या पार्ट था, क्या छूट गया है, तो उसको वो देखें और कंप्लीट करें। अगर वो नहीं कर सकते तदनुसार आपको सूचित करें, जब वो सूचित करेंगे तो फिर उसमें हम और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है उसको देखें। धन्यवाद।